ब्रह्मन, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। रघुनंदन, आप जानते हैं कि यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए मैं यह अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं। आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करो। मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं मां, आप एक राजा की विवशता तो समझिए कि मन में सीता की पवित्रता और अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास होते हुए मैं जीवन भर उसी की भांति धरती पर सो सकता हूं, उसी की भांति सन्यासी का जीवन बिता सकता हूं, परंतु प्रजा में एक भी अपवाद जब तक बाकी है उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है, उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, फिर राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मानपूर्वक बिठा सके। ब्रह्मन, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूं कि ये जुड़ हुए कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है।